नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त। आइए आज हम सभी कद्दू के गुणों के बारे में जानते हैं, यानी कि सीताफल के बारे में। कद्दू सुनते ही हंसी आ जाती है। अक्सर मोटे बच्चों का मजाक उड़ाने के लिए छोटे बच्चों को प्यार से हम कद्दू कह देते हैं, पर क्या आपको पता है कुम्हाड़ा यानी कि कद्दू, पंपकिन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, एक स्थलीय द्विबीजपत्री पौधा है जिसका तना लंबा, कमज़ोर एवं हरे रंग का होता है। काशी फल भी इसे कहा जाता है। कद्दू के कई ऐसे लाभ भी हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते हों। इसका सेवन शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे फ्लू से भी बचा जा सकता है। आधा कप कद्दू में अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसमें कैलोरी भी काफ़ी कम मात्रा में होती है। गेहूं से बनी एक रोटी में 70 कैलोरी और 2 ग्राम फाइबर होता है, जबकि एक कप कद्दू में इससे 20% ज़्यादा फाइबर और महज 50 कैलोरी होती है। एंटीऑक्सीडेंट, पंपकिन में मुखाया बेटा कैरोटीन पाया जाता है, जिससे विटामिन ए मिलता है। येलो और ऑरेंज कद्दू में कैरोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बेटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो कि शरीर में फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है। ठंडक पहुंचाता है, कद्दू ठंडक पहुंचाता है। इसे डंठल की ओर से काटकर पैर में रगड़ने से शरीर की गर्मी खत्म हो जाती है और शरीर को ठंडक मिलती है। मन को शांति पहुंचाता है। इसमें ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि दिमाग की नसों में आराम पहुंचाते हैं। अगर आपको रिलैक्स होना हो तो आप कद्दू खा सकते हैं, इसीलिए इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। डाइटिशियन का कहना है कि कद्दू हार्ट डिसीजेज के लिए बहुत लाभकारी होता है। यह कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। डायबिटीज कंट्रोल, कद्दू रक्त में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, साथ ही पनक्रियास को सक्रिय करता है। यही कारण है कि डॉक्टर डायबिटीज के पेशेंट को कद्दू खाने की सलाह देते हैं। आयरन से भरपूर, बहुत सी महिलाओं में आयरन की कमी होती है, जिससे उन्हें एनीमिया हो जाता है, तो ऐसे में कद्दू का सेवन करने से लाभ मिलता है। यह बहुत पौष्टिक होता है। इसके बीज में आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। काशी फल की सब्जी बनती है, इसे कद्दू भी कहते हैं। हम बता चुके हैं दोस्तों, यह मोटा गोल होता है। गुर्दा ख़राब हो अगर आपका, तो जब गुर्दे ख़राब हो जाएं या पेशाब नहीं हो तो कच्चे काशी फल का एक कप रस नित्य 3 बार पीने से पेशाब खुलकर आता है, गुर्दा ख़राब रोगी के लिए लाभदायक है। प्रोस्टेट में बीजों सहित रस लाभ करता है। तो ये था आज का हमारा वॉइस ओवर दोस्तों, कद्दू के फ़ायदों को लेकर के, सीताफल के फ़ायदों को लेकर के। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।